कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन किया गया है। रायपुर में इससे लॉकडाउन के नियमों को लोग तोड़ते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लगातार अलग अलग चौक चौराहों पर सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां घूमती हुई नजर आ रही हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के कई अलग अलग जिलों में लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि कल 22 मार्च के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता को एक दिन का जनता कर्फ्यू करने का अपील किया था। इस एक दिन की जनता कर्फ्यू को तो लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। कल दिन भर शहर में अलग अलग जिलों में एक भी लोग नजर नहीं है, लेकिन आज जैसे ही इस चीज को आगे बढ़ाते हुए 22 मार्च के बाद 31 मार्च तक का लॉकडाउन रखने का आदेश दिया, यहाँ पर लोगों में साफ इस चीज को समर्थन दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी इस चीज का पालन नहीं कर रहा है, लॉकडाउन कर्फ्यू का किसी भी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। अलग अलग चौक चौराहों पर सैकड़ों की संख्या पे गाड़ी नजर आ रही है। यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन भी इस चीज को जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि कृपया करके घर पर रहे, सुरक्षित रहे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जनता से अपील है कि पुलिस प्रशासन की कि वो अपने अपने घरों पर रहे, लेकिन इस चीज को लोग दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आज पहला दिन है 22 मार्च के बाद, आज 23 मार्च है और ये 31 मार्च तक इस तरह का लॉकडाउन रहेगा और पुलिस प्रशासन किस तरह से सख्ती रखती है ये भी देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को ट्वीट करते हुए कहा था कि लोग लॉकडाउन की स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है, अपील है कि कृपया करके इसे गंभीरता से इसका पालन करवाएं। कैमरामैन रेखराम के साथ शिवम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। अशोकनगर लॉकडाउन में लोगों की लापरवाही, घरों